हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फिर से बात करने वाली हूँ अमरनाथ प्रिया के बारे में। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक प्रिया अपने होश में नहीं है। अभी तक किसी को न जान रही है न पहचान रही है। कुछ लोगों को मजाक लग रहा है ना, ठीक है लगता रहे, लेकिन सच में यार प्रिया की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, और ऊपर से प्रेग्नेंट। सबसे समझ सकते हैं प्रेग्नेंट औरत का मतलब, ना कुछ दिखा सकते ना चेक। मैं सारी बात बताऊंगी, डॉक्टर ने क्या बोला, ओझा ने क्या बोला, अमरनाथ भाई किसके पास गए किसके पास नहीं गए, रिपोर्ट ने क्या बोला, रिपोर्ट में क्या आया, सब कुछ हुआ है हर जगह। पूरा दिन सुबह से 7 बजे की भाई निकले हुए हैं, अमरनाथ भाई पूरा दिन इसी चीज में उन्होंने लगाया है, और फाइनली रिजल्ट ये है कि अभी प्रिया की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं, एकदम बच्ची। उसके बारे में बात बाद में करूंगी, पहले मैं एक कमेंट पर मेरा गौर पड़ा था जो कि अमरनाथ भाई की वीडियो में ही है, आप जाके देख सकते हैं, जो दूसरा लॉन्ग वीडियो आया है उसमें जो दिन में डाला है भाई ने, उसमें कमेंट था कि आपने देखा होगा कि प्रिया ना पिज्जा मांग रही थी कल कल सुबह उठ के, और भैया ने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था जिसमें प्रिया बोल रही थी, और भैया बोल रहे थे कि सुबह सुबह से उठ के पता नहीं इसको क्या हुआ है, ये पिज्जा खाने की जिद कर रही है, आपको याद होगा। तो उस वक्त भाई ने उसको मतलब प्रिया को 2 पिज्जा भी लाके खिलाए। तो कम रात भी वीडियो में बोला है अमरनाथ भाई ने कि पता नहीं इसको क्या हो गया, सुबह से प्रिया पिज्जा खाने की जिद कर रही थी, हम इसके लिए 2 पिज्जा भी लेकर आए। जबकि भैया हर चीज उसकी मतलब जो कुछ भी वो मांगती थी हर चीज ला के देते थे हमेशा से। अब तो वो प्रेग्नेंट है और भी एक्स्ट्रा केयर कर रहे थे, बट वो हर चीज ला के देते थे, उसको खुश देखने चाहते थे, उसको खुश देकर ही उनको खुशी मिलती थी। तो कमेंट ये था कि पिज्जा में ऐसा क्या ला के खिला दिया जो तबीयत ऐसी हो गई, पिज्जा में ऐसा क्या था जो प्रिया की हालत पिज्जा खाने के बाद ऐसी हुई। तो देखिए, एक तरफ से देखा जाए तो ये कमेंट नेगेटिव वे में भी जाता है, और एक तरफ से देखा जाए तो एक प्रिया को मतलब सपोर्ट में भी जाता है कि मतलब देखो जितने लोग होते हैं ना उतना सोचते हैं, उतना उनका दिमाग चलता है, माइंड चलता है कि कैसे क्या है। तो वहीं किसी की सोच है कि प्रिया कोई देखो इतना तो नहीं बोल सकता कि भैया लाके कुछ खिला देंगे, सोचना भी मत, ठीक है, अगर आपने इस नेगेटिव वे में लिखा है तो। दूसरी बात हो सकता है कि पिज्जा में ऐसा, देखो पिज्जा में अगर कुछ गलत होगा, ठीक है, माना कि रखा हुआ, वैसे तो गर्म ही मिलता है, माना कि फिर भी रखा हुआ मिला, या कुछ उसमें ऐसा कोई चीज थी जिससे कि प्रिया का देखो तबीयत खराब हो सकता था, ठीक है, पेट खराब हो सकता था, मतलब कुछ भी हो सकता था, इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता था, बट वो माइंड की बात है, ठीक, थोड़ा सा सोच सोच के बात किया करिए, माइंड की बात है। पिज्जा से माइंड खराब नहीं हो सकता, उसकी याददाश्त नहीं जा सकती, वो किसी को भूल नहीं सकती, वो पिज्जा खाने से बच्ची नहीं बन सकती यार, क्या सोचते हो आप लोग। माना कि खाने पीने की चीज आजकल बाहर की अच्छी नहीं मिल रही, तो तबीयत खराब हो सकती, पेट खराब हो सकता है यार, दिमाग कुछ भी बोल देते हो आप लोग, सोचते नहीं हो कि सामने वाले को कैसा लगेगा। तो सबसे पहले बताती हूँ, भाई गए थे ओझा के पास, देखो ऐसा कुछ हो, प्रिया की जैसी हालत है उस हिसाब से डर रहता है, तो भाई ओझा के पास गए थे, वहां पर जो भी झाड़ फूंक होता है, टंट टोटका वगैरह सब कुछ हुआ, बट प्रिया को आराम नहीं है, किसी भी चीज से प्रिया को आराम नहीं मिला। उसके बाद भाई वहां से डॉक्टर के पास गए हैं कि हम पूरा चेकअप वगैरह कराएंगे बॉडी का, जो CCT स्कैन वगैरह जो कुछ भी होता है, बट डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि प्रिया प्रेग्नेंट है। सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आके अटक जाती है कि ज़्यादा कुछ चेकअप वगैरह भी नहीं कर सकती, बच्चे पर असर पड़ेगा, तो वो सब डॉक्टर ने मना कर दिया, जो भी शुगर की या जो भी BP की या खून की मतलब जो कुछ भी जाँच होती है सबकी जाँच हुई है और रिपोर्ट आई है। अमरनाथ भाई के वीडियो पर नहीं आया, लेकिन जो लोग अमरनाथ भाई के साथ हैं, जो लोग उनके सपोर्ट में हैं, जो लोग उनके पास हैं, उनके चैनल पर हर एक छोटी छोटी चीज़ का अपडेट आ रहा है। भैया प्रिया को समा रहे हैं, वीडियो देखें तो आप लोग समझ सकते हैं। रिपोर्ट आई है, बट अभी की रिपोर्ट में क्या आया है ये खुलासा नहीं किया है, सिर्फ रिपोर्ट दिखाई गई है, क्योंकि अभी प्रिया का वो हुआ है, अल्ट्रासाउंड हुआ है, तो अल्ट्रासाउंड में क्या आएगा क्या नहीं हो आएगा उसके बाद ही मतलब सारी रिपोर्ट आ जाएंगी, उसके बाद आप लोगों तक बताया जाएगा, क्योंकि ये जानकारी देना अमरनाथ भाई के चैनल से ही सही है, इसीलिए इस जानकारी को किसी ने अपने चैनल के द्वारा नहीं बताया कि रिपोर्ट में क्या आया।
उसे एक डॉक्टर के यहाँ से मना कर दिया गया, प्रिया को कुछ भी समझ नहीं। दूसरे डॉक्टर, दो तीन अस्पताल अमरनाथ भाई ने, मतलब हॉस्पिटल घूमा है। सुबह से बहुत परेशान है प्रिया, ना खा रही ना पी रही। उसको जैसे जैसे मम्मी और उसकी सासू माँ जो है करके बताती है कि बेट ऐसे खाओ वैसे खाओ, बस उस देखती है वही करती है। ना उसको अपना नाम याद है, ना उसको अपना पता याद है, ना उसको अपना घर याद है। बस रो रही है कि मुझे अपने घर जाना है। किसी को नहीं पहचान रही। सोचिए इस वक्त उन उस परिवार को कितने तकलीफ भी, कितना तकलीफ में है। 24 घंटे से ज्यादा हो गया, बट कोई फर्क नहीं। वही कुछ लोगों का कहना है, प्लीज थोड़ा सा तबीयत खराब है, इग्नोर करिएगा। वही कुछ लोगों का कहना है कि मालती की आत्मा, चूंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था शुभ बारे में, वही कुछ लोगों का कहना है कि हम नहीं मानते, बकवास है ये, मालती नहीं आ सकती। तो देखिए इस बारे में अमरनाथ भैया से बोला था, भाई मालती तो नहीं सबका कहना है। भाई इस बात पर चुप हो गए। मैंने दो तीन बार मालती का जिक्र किया, भाई इस बात पर चुप हो गए। इसका मतलब क्या है कि खुद अमरनाथ भाई की भी माइंड में है कि शायद मालती भाभी। देखो मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत से लोग मालती अच्छी थी नहीं आएगी, ठीक है यार, लेकिन वो अकाल मृत्यु गई है। आपको पता है कि किस समय, मतलब कैसे हालातों में गई है वो, ठीक। तो हो सकता है मालती की आत्मा हो, और फिर उसका नन्ना मुन्ना बच्चा, ठीक है, छोटा सा बच्चा, मतलब रहता है ना कि इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन जो उसका एक वो है ना आत्मा, वो कहीं ना कहीं शायद उसको सुकून नहीं मिलता, उसको शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसका जिगर का टुकड़ा, उसका नन्ना मुन्ना लाल यहाँ पर है। मैं ये नहीं कह रही कि वो प्रिया को परेशान करने आएगी। प्रिया ना काफ़ी क्लोज थी, अमरनाथ भाई प्रिया ये काफ़ी लोग ना बहुत क्लोज थे। और फिर प्रिया प्रेग्नेंट है, तो ऐसी चीज़ें ना प्रेग्नेंट औरत पर ज़्यादा असर करती है। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैंने एक राधा राज गोरखपुर का वीडियो देखा अभी, जिसमें वो बोल रहे हैं आप लोगों को शर्म नहीं आती व्यूज के लिए, कुछ भी बोलते हैं कि मालती चौहान की आत्माएं। तो देखिए इसमें ना तो शर्म की बात है ना व्यूज की बात है, इसमें कि एक इंसान की तबीयत की बात है, जो कि माइंड से मतलब बिल्कुल एकदम से बच्ची बन चुकी है, जिससे कोई ना डॉक्टर के पास कोई फायदा है ना किसी के पास कोई फायदा है। तो ये सब सोचना ना इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब किसी की तबीयत खराब होती है ना तो 1000 ख्याल आते हैं दिमाग में, ठीक है, ओझा के पास भी ले जाते हैं, डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं, सबको सोचना पड़ता है कहीं ये तो नहीं कहीं वो तो नहीं। और जिस परिस्थिति में मालती गई, जिस हालात में मालती गई, तो ये मालती ही तो नहीं, ये सोचना गलत नहीं है। प्लीज आप लोग एक बार सोच के देखिए, ठीक। बाकी मैं दावा नहीं करती कि सच में मालती की ही आत्मा है या कुछ भी है, तो फिर बताइए आप लोग क्या है फिर उसको, क्या हुआ है फिर। मालती के काफी क्लोज थे अमरनाथ प्रिया, हो सकता है, हो सकता है, पुष्टि नहीं करती, ठीक। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना, जैसे भी जो भी मुझे जानकारी मिलेगी आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।